नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम RSM SSB LDC एग्जाम 2024 में आपके एक टॉपिक दिया गया है, राजस्थान के मेले और त्यौहार, उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान में एक कहावत चलती है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, इसका मतलब है कि राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत किससे होती है, तीज से होते हैं, और त्योहारों का अंत कब हो जाता है, गणगौर से हो जाता है। तीज कब आती है, तीज आती है श्रावण मास में। कब आती है, तीज श्रावण महीने में आती है, जबकि जो गणगौर है वो कब आती है, चैत्र माह में। तो तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर, इसका मतलब है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से और त्योहारों का अंत होता है गणगौर से। नेक्स्ट हम देखते हैं गणगौर। गणगौर कब मनाया जाता है, गणगौर मनाया जाता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया के बीच में मनाया जाता है गणगौर। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा पदा से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया के बीच में, तो गणगौर पर किन की पूजा की जाती है, वो की जाती है शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। ये पूछा जाता है बहुत, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है, तो मनाई जाती है नाथद्वारा में। नेक्स्ट है कि भखियोर की गणगौर, तो भखियोर की गणगौर का संबंध किससे है, वह है गरासिया जनजाति से। तो भखियोर की गणगौर का संबंध है गरासिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं गणगौर के बाद में छोटी तीज। क्या है छोटी तीज, छोटी तीज कब मनाई जाती है, श्रावण महीने में मनाई जाती है, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि बड़ी तीज, बड़ी तीज या जिसे क्या भी कहा जाता है, कजली तीज। बड़ी तीज को क्या क्या भी कहते हैं, कजली तीज। तो बड़ी तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ठीक है, भाद्रपद में आती है। छोटी तीज तो आती है श्रावण में और बड़ी तीज आती है भाद्रपद में, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज या कजली तीज, और ये बड़ी तीज किसकी प्रसिद्ध है, वह है बूंदी की प्रसिद्ध है बड़ी तीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि होली के अवसर पर विभिन्न आयोजन होते हैं राजस्थान में, उनके बारे में देख लेते हैं। तो कोड़ामार होली कहाँ खेली जाती है, वो खेली जाती है भिन्नाए में। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, महावीर जी में। पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है, बाड़मेर में। बाड़मेर में क्या भी निकलती है, ईलो जी की बारात भी निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं नहाण, नहाण का आयोजन कहाँ होता है, कोटा के आवा तथा सांगोद में। भगोरिया, भगोरिया कहाँ खेला जाता है, वह है मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा खेला जाता है। जन्म मरण और परण का आयोजन कहाँ होता है, जयपुर में होता है। दधीमती माता का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, गोठ मंगलोद नागौर में। केला देवी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, करौली में। धुलेव का मेला लगता है केसरिया जी में। भरतरी मेला लगता है अलवर में। बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम है वहाँ पे, क्या है, सोम माही और जाखम, इन तीनों नदियों का क्या है, संगम है। तो सहरिया जनजाति का जो प्रमुख मेला है वो कहाँ है, सीताबाड़ी बारा में लगता है। पुष्कर मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में लगता है। जीण माता का मेला कहाँ लगता है, रेवासा में लगता है। तो जीण और हर्ष दो भाई बहन थे, उनमें से जो जीण माता है उनका मेला लगता है रेवासा में लगता है। जीण माता को क्या माना जाता है, आठ भुजा वाली देवी भी माना जाता है। नेक्स्ट है कि डिगी के कल्याण जी का मेला लगता है टोंक की मालपुरा तहसील में लगता है, मालपुरा में लगता है, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से उपचार किया था, इसी उपलक्ष्य में क्या लगता है, डिगी के कल्याण जी का मेला लगता है। नेक्स्ट है महावीर जी का मेला कहाँ लगता है, तो करौली के हिंडौन तहसील में लगता है। महावीर जी का मेला जैनों का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट है कि करणी माता का मेला कहाँ लगता है, देशनोक में लगता है। वहां पे एक जो सफेद चूहा होता है वो क्या कहलाता है, काबा कहलाता है। नेक्स्ट है कि शीतला माता, या इनका दूसरा नाम क्या है, सैडल माता। शीतला माता का मंदिर मेला कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर की सील डूगरी में लगता है। तो शीतला माता के जो क्या है, चेचक रोग से उपचार करते हैं, ठीक है। तो शीतला माता का जो मेला लगता है चाकसू जयपुर में, तो उसकी सील डूंगरी में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है शीतला माता क्या है, चेचक रोग से उपचार करते हैं। नेक्स्ट है बैलगाड़ी मेला, बैलगाड़ी मेला कहाँ लगता है, वह है शीतला माता। बैलगाड़ी मेले का संबंध किन से है, शीतला माता से। आगे हम देखते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि का जो स्थान है वो कहाँ है, कोला या तो बीकानेर में। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को एक तो हो गया पुष्कर में और दूसरा कोलायत में मेला लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पुष्कर, पुष्कर में भी कब मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को।
नेक्स्ट, दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र कहाँ है? गलियाकोट, डूंगरपुर में है। यहाँ पे सैयद फखरुद्दीन की मजार है। तो दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र कहाँ है? गलियाकोट, डूंगरपुर में। यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है। नेक्स्ट है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर को कहते हैं। थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। ऊंट महोत्सव है बीकानेर में। मरु महोत्सव है जैसलमेर में। रणकपुर उत्सव या गोड़वाड़ मेला कहाँ लगता है? पाली में। ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव ये दोनों मनाए जाते हैं माउंट आबू में। चंद्रभागा कहाँ मेला लगता है? झालरापाटन में। मत्स्य उत्सव लगता है अलवर में। गर्दब मेला या गधों का मेला लगता है भावगढ़ बंदिया जयपुर में लगता है। नेक्स्ट की अन्नकूट मेला, अन्नकूट मेला श्रीनाथ जी के जो नाद्वारा है नाद्वारा में लगता है। सवाई माधोपुर के शिवाड़ का मेला वो लगता है शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। ठीक है, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है। नेक्स्ट, तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। रामदेव जी का मेला लगता है रामदेवरा जैसलमेर में। बाबू जी का मेला लगता है कोलुमन फलोदी में। गोगा जी का मेला लगता है ददरेवा चूरू में लगता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।